Hey guys, hello and welcome to Pangeo Hub. I am your guide Sajan Sarthak Sahu. आज से हमारा Pangeo Hub में एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग जियो न्यूज के उसको नेमिंग किया गया है जियो न्यूज। आज का जो क्लास है वो जियो न्यूज के पहला क्लास होगा। सो यहाँ पे आपको हर सुबह 5 बजे में आपको जो जो भी जियोलॉजी के अपडेट्स होंगे, जैसे कि आर्थ साइंस रिलेटेड हो गया या फिर जियोलॉजी रिलेटेड हो गया, वो सब मैं देता रहूंगा। तो इसका मैं थीम रखा हूँ कि Pangeo Hub में हर सुबह 5 बजे 5 मिनट अगर आप देंगे तो आप जियोलॉजी के आपका जो नॉलेज है बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का जो पहला न्यूज आता है, पहला अपडेट आता है निकल के, वो आता है कि साइंटिस्ट से दैट बाल्टिस क्रेटर इन यूक्रेन फॉर्म वेल आफ्टर द इम्पैक्ट इन द मेक्सिको दैट कॉज द डायनासोर एक्सटिंक्शन। तो आपका जो मेक्सिको में जो इम्पैक्ट क्रेटर का जो इवेंट हुआ था उसके वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, ये आपका डेटेड किया गया है। ठीक है, 65 मतलब क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन जो भी है वहां पे डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए थे। लेकिन जो बाल्टिस क्रेटर को पहले माना जा रहा था कि वो आपका चिक्स क्लब का जो इम्पैक्ट क्रेटर के साथ कंपेयर किया जा रहा था कि शायद ये इसके साथ रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअली अभी डेट किया गया है कि बाल्टिस क्रेटर में जो बाल्टिस क्रेटर है वो एक्चुअली आफ्टर 6,50,000 ईयर ऑफ द चिक्स क्लब इम्पैक्ट क्रेटर के बाद फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो आपका मेन अपडेट जो आता है कि इसको कैसे डेट किया गया है, तो आपका जहां पे भी बाल्टिस क्रेटर था, यहाँ पे देखिए एक इमेज में लिया हूँ, तो यहाँ पे लिखा गया है कि बाल्टिस क्रेटर का जो मेटियोराइट इम्पैक्ट था वो आपका एक 3 आईफिल टावर के जितना लंबा था। ठीक है, सो वो एक एनॉर्मस हीट एंड हीट प्रोड्यूस किया जिसके वजह से वहां पे सारे जितने से सराउंडिंग रॉक्स थे, सेडिमेंट्स थे, वो सब मेल्ट हो गए। तो हुआ क्या, जब हम लोग वो जो जहाँ पे वो इम्पैक्ट किया है वो वाला जो जगह पे जाके वहाँ पे जो सेडिमेंट्स जब इम्पैक्ट किया तो क्या होगा, वहाँ पे जो डेब्रिस मटेरियल्स वो सब टूट के गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट करने के बाद मेल्टेड हो गया है रॉक्स और वहाँ पे डिप्रेशन हो गया, जो डेब्रिस पार्टिकल्स वहाँ पे गिरे हैं उसका सेडिमेंट का पाइल अप होने के बाद आफ्टर सम लेक वहाँ पे भी कुछ फॉर्मेशन हुआ होगा, वहाँ पे भी सेडिमेंट्स पाइल अप हुआ होगा। तो उसी सेडिमेंट को डेट करके कोर सैंपल लिया गया, सेडिमेंट को यहाँ पे ऐसे कोर सैंपल लिया गया, उसी को डेट करके दिखाया है कि कोर में जो आर्गन है उस आर्गन पार्टिकल्स को डेट करके दिखाया है कि ये एक्चुअली 65 मिलियन ईयर एज के बाद बन रहा है। तो ये आपका एक अपडेट आ रहा है कि जो बाल्टिस क्रेटर जो है वो आपका डायनासोर का एक्सटेंशन के बाद में हुआ है। ठीक है, सो अनदर अपडेट आता है सेकंड न्यूज, न्यू जियोकेमिकल स्टडी कन्फर्म्स कॉज ऑफ एंड परमियन मास एक्सटेंशन इवेंट्स। सो सेकंड न्यूज आपका जो आता है, आपका परमियन 5 मेजर मास एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे परमियन जो एक्सटेंशन रहता है वो सबसे बड़ा वाला एक्सटेंशन रहता है माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट कॉज था हमें पता नहीं था। तो अभी क्या क्या है कि अभी निकेल आइसोटोप के हेल्प से साइबेरियन ट्रैप में एरोसोल पार्टिकल को जब स्टडी किया गया तो वहां पे आपको एग्जैक्ट एज पता चल रहा है। कैसे, देखिए आपका जो निकेल एरोसोल है, निकेल जो है ना, तो एग्जैक्ट उसका कॉज है कि निकेल जब उसका तो एग्जैक्ट कॉज पता नहीं था कैसे एक्सटेंड हुआ है, तो एक गेस किया गया था कि शायद ये सब वोल्कैनिक इवेंट के वजह से बहुत सारे मरीन स्पेसिस हो गया या फिर टेरेस्ट्रियल स्पेसिस सब मर गए हैं। वोल्कैनिक इवेंट का बात कैसे हो रहा है, देख रहे हैं कि निकेल जो एरोसोल पार्टिकल से जो सब ट्रैप हुआ है हमारे सेडिमेंट के अंदर वो आपको स्टडी किया गया, उसको डेटिंग किया गया है। सो निकेल एरोसोल के निकेल आइसोटोप को डेट करके देखा गया कि जब वोल्केनिक इवेंट हो रहा था जो गैसियस पार्टिकल्स निकल रहे थे वो आपका समुन्द्र के जो मरीन वाटर्स थे उसके साथ घुल गए, तो वो पॉइजनस हो गए और वो हमारे जो मरीन एनिमल्स थे, मरीन ऑर्गेनिजम्स थे, उनको उनको मार दिए। ठीक है, तो बाकी बचा वोल्केनिक इवेंट के वजह से ही एरोसोल प्रोड्यूस हुआ होगा, क्यों ये आपका एक प्रूवन थ्योरी है राइट नाउ। नेक्स्ट अपडेट आता है कि द माउंट एवरेस्ट अनकन्फर्मिटी। अब हम लोग अगर माउंट एवरेस्ट में एक अनकन्फर्मिटी को देखेंगे, वहां पे आपका 60 मिलियन ईयर का मिसिंग जियोलॉजी हमको अभी भी पता नहीं है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक फोटो है, तो ये जो
ये जो यहाँ पे एक अनकन्फर्मेड दिखाया गया, ये एक्चुअली दिस दीज आर द लोअर सेडिमेंट्स, स्वालो मराइन सेडिमेंट, जो आपका सेडिमेंटरी स्ट्राटा है वो इंक्लाइंड है विथ रेस्पेक्ट टू द अपर हकलबेरी रिज टॉप। तो हकलबेरी रिज टॉप होता क्या है, वो आपका वो टॉप्स है, मतलब वोल्कैनिक इरप्शन के बाद जो टॉप्स निकल करते हैं वही वाला टॉप है। अनकन्फर्मिटी ये आपका एक एंगुलर अनकन्फर्मिटी है। सो यहाँ पे लिखा गया माउंट एवरेस्ट इज कंपेयर्ड ऑफ लाइट कलर सेडिमेंट्स, ये आपका जो लाइट कलर सेडिमेंट्स है माउंट एवरेस्ट है, दैट वेयर डिपोजिटेड एट द मार्जिन्स ऑफ शैलो सी दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन येलो स्टोन एरिया। ये जो आपका जो चीज, ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये आपका येलो स्टोन एरिया में, येलो स्टोन आपका यूएसए में एक जगह है जो कि एक फेमस वोल्कैनिक जगह है, ठीक है। वहां से वोल्कैनिक अर्लियर बहुत ज्यादा वोल्कैनिक इवेंट्स हुआ होगा, तो वहां पे ज्यादा टॉप्स जो पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो येलोस्टोन एरिया में जो अनकन्फर्मेटी दिखा रहा है माउंट एवरेस्ट में, तो वो आपका ये जो नीचे वाला शैलो मरीन सेडिमेंट्स है वो आपका 65 मिलियन ईयर हो गया, और ये जो ऊपर वाला टॉप हो गया वो 2.1 मिलियन ईयर ऐसा कुछ उसका एज है। तो इन बिटवीन देम देयर इज ए गैप ऑफ 60 मिलियन ईयर, वी आर गेटिंग सम मिसिंग ईयर। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेडिमेंट एंड द टॉप इज एंगुलर अनकन्फर्मिटी, ए बाउंड्री वेयर वन रॉक यूनिट कट्स अक्रॉस द लेयरिंग ऑफ अनदर, दिस इंडिकेट्स ए पीरियड ऑफ इरोजन एंड टाइम वेयर नो न्यू रॉक्स वेयर डिपोजिटेड। ओके, सो यहाँ पे जो वन क्रेटासियस पीरियड में जो सेडिमेंट एक्यूमुलेशन हुआ है वो आपका मिसिंग हुआ है, ठीक है। तो यही तीन अपडेट्स थे आज के क्लास के लिए। आई होप ये आपका जो नया हमारा शुरू हुआ है चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इसके साथ अच्छे से घुल मिल के आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।